गेट से मंदिर जो पोहा भी है, वो भी मेरे को समझ में आ रहा है। और क्या ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं पहचान। हम फिर आके पहुंच गया है वही फ्रंट साइड में, और आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ का जो मंदिर का जो ऊपर का जो
पार्ट है ना, ये एकदम ताम्र का ही है। ताम्र का जो ऊपर का जो छत है मंदिर का, वो ताम्र से ही बनाया गया है। और अभी चलिए, यहाँ पे कुछ प्रसाद मिल रहा है, हम अंदर जा रहे हैं। तो वहाँ पे खाना बना के, मतलब प्रसाद बना के वहाँ पे लोग खाते हैं। तो चले फिर, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, और जाते जाते लास्ट में मैं मंदिर का व्यू जो है दिखा रही हूँ आप लोग को। ये है मंदिर का फ्रंट एरिया, तो इसी से हम एंट्री किए थे। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी हिंदी या इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस मलयालम में लिखा हुआ है। और कितना बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है ये मंदिर। और फिर कभी मैं आऊँगी दिन के टाइम पे, तो डे टाइम तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और बहुत ही पुराना मंदिर है ये, बहुत ही पुराना, मतलब यहाँ पे जो काम हुआ है उसी से लग रहा है बहुत ही पुराना मंदिर है। तो होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइज, इसके साथ साथ हमारे साथ आपने भी आज विजिट कर लिए एर्नाकुलम शिव टेम्पल, वो भी शिवरात्रि के अवसर पर। तो चलिए फिर अब घर चलते हैं। आज का वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो महाशिवरात्रि की जो व्रत है यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा, मैंने प्रसाद यहाँ से ले लिया, तो रात पे जाके और कुछ नहीं खाना है। तो चलिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।